हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का ऑफिसर सीरीज में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नर्सिंग कुछ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल देखिएगा जो क्लास रहने वाली है वो कुछ इस तरह से ही रहने वाली है कि दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होंगे नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको पहले रीड करना है अपने आप स्वतः बिना किसी और के गाइडेंस के खुद को क्वेश्चन रीड करना है एंड देन एक जवाब आपको सोचना है अपने दिमाग में एंड देन जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टेली करना है कि दिक्कत कहाँ आई प्रॉब्लम कहाँ आई और खुद का एनालिसिस करना है अगर आप क्वेश्चन सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मेरी हमेशा ये एडवाइस बच्चों से रहती है कि प्लीज़ प्लीज प्लीज फोकस ऑन सेल्फ रीडिंग खुद सवाल को पढ़ें खुद समझने की कोशिश करें यहाँ पे आपके पास में दोनों लैंग्वेजेस में जो है क्वेश्चंस अवेलेबल है लेकिन मेरी आपसे ये एडवाइस है कि प्लीज़ 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 प्लीज आप जो है इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करें क्योंकि आपके मोस्टली एग्जाम्स में जो है इंग्लिश एज अ भाषा जो है प्रोमिनेंट रहती है तो मैं ये चाहती हूँ कि भाषा कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं बने कभी भी आपके लिए दिक्कत का कारण नहीं बने है ना और आपकी जो इतनी सारी मेहनत है वो किसी एक भाषा की वजह से बर्बाद ना हो है ना तो अपनी मेहनत को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी तैयारी को आपको अपनी भाषा पे काम करना है इंग्लिश पे काम करना है और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश रीड करनी है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी है ताकि प्रैक्टिस आपके अंदर बनी रहे राइट नाउ कमिंग टू आर सेशन सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में आप आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे अपना एक आंसर सोचेंगे एंड देन आप सोचेंगे कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं और नहीं कर रहा है तो क्या रैशनल है क्यों मैच नहीं कर रहा है कहाँ आपसे गलती आई है सोचने में राइट right? सो so, फटाफट से रीड करेंगे हम क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है है ना सवाल आपसे पूछ रहा है so question says when performing a cardio When performing a cardiovascular assessment, the nurse note that the nurse that patient to to sit upright to breathe. This behavior is most indicative of रहा है तो उसको सांस में दिक्कत आ रही है ना तो ऐसा जो अपने होता है या ऐसा जो डिस्या होता है इसको आप ऑर्थोस्टैटिक या पोस्ट्रल डिस्या कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक या फिर पॉस्चरल डिस्निया यहाँ पे होने के हवाला है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने वाली है एज सुन एज पेशेंट जो है वो लाई डाउन करता है लेटता है अब सवाल आपसे पूछ रहा है ऐसा कब होगा तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा उस कंडीशन में होगा जहाँ लंग्स में आपके लंग्स में क्या भर जाएगा लंग्स के अंदर नॉर्मली लंग्स के अंदर हवा भरनी चाहिए लेकिन इन लंग्स के अंदर बच्चों आपको याद रखना है इन लंग्स के अंदर पानी भर जाने वाला है क्या भर जाने वाला है पानी भर जाने वाला है राइट right? अगर मैं इन लंग्स की बात करूं इन लंग्स के अंदर क्या भर गया है पानी भर गया है. अब ये पानी क्यों भर गया है सवाल है ये है पानी क्यों भर गया ये सवाल है तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ पर हम फोकस करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि ये है आपका हार्ट राइट ये आपका हार्ट है ड्रॉ भले ही मैंने कितना भी बुरा किया हो समझ आपको आना चाहिए कि हार्ट जो है इस तरह से काम करता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट यहाँ से जो है आपकी क्या जाती है पल्मोनरी आर्टरी जाती है ये पल्मोनरी आर्टरी जो है किधर जाती है बच्चों, लंग्स की तरफ जाती है चलो इसको ऐसे ही बना लेते हैं इधर हमारा हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम राइट यहां से आपकी क्या जा रही है पल्मोनरी आर्टरी जा रही है और यहाँ से क्या आ रही है पल्मोनरी वेन आ रही है सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बॉडी से बॉडी से आपको याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में क्या जाती है आउटा ब्लड लेकर के जाती है है ना ये इंसान की पूरी बॉडी है राइट right? और यहां से आपको याद रखना है यहां से जो है आपका इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है क्या लेकर आती है ब्लड को दोबारा जो है राइट एट्रियम में लेकर के आती है नाइस सिंपल 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 दैट सा ये आपका राइट एट्रियम हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया है ना उसको मैं लाल में लिखती हूँ ये लेफ्ट एट्रियम हो गया लेफ्ट पेंट्रिकल हो गया, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई ये आपका आउटा हो गया राइट और ये आपकी सुपीरियर वेना केवा एंड वेना केवा हो गई जो कि ऊपर के हिस्से से और नीचे से के हिस्से से ब्लड लेकर आती है कहाँ राइट एट्रियम सॉरी राइट एट्रियम में जहाँ से राइट right वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ जाता है और पलमनरी uh, आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास जाता है ताकि वहाँ पर उसमें क्या हो सके ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो सके जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में बदल सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल सके एंड सोन so इस तरह से जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आता है आपका लाइफ एट्रियम में आता है ये सिंपल सिंपल सा एक सर्कुलेशन रहता है ये सिंपल सिंपल सा क्या रहता है सर्कुलेशन रहता है अब सवाल ये आता है कि मैडम समझाना क्या चाहते हो ये तो हमें पता है है ना तो इसको मैं इस तरह से समझाना चाहती हूँ कि अगर अगर मान लीजिए ये हिस्सा हार्ट का काम करना बंद कर दिया क्या कर दिया ये हिस्सा काम करना बंद कर दिया बोले काम करना क्यों बंद कर दिया हार्ट जैसी चीज़ कोई बंद होती है क्या अरे होती है भाई ये भी एक मशीन है मशीन के पुर्जे खराब होते हैं तो मशीन खराब होती है यहाँ पर चाहे वॉल खराब हो जाए चाहे हार्ट के वॉल्व खराब हो जाए वॉल यानी दीवार खराब हो जाए चाहे वॉल्व यानी फाटक यानी गेट खराब हो जाए है ना कारण कुछ भी रह सकता है है ना कारण चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन रह सकता है कारण जो है आपका किसी तरह का जो है ब्लॉकेज जो है कोरोनरी आर्टरी में रह सकता है वॉट

जब ब्लड बॉडी को नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा तो ब्लड इसके ऊपर यानी कि इस एरिया में जो है इकट्ठा होगा जब इस एरिया में ब्लड इकट्ठा होगा तो यहाँ पर आपको कंजेशन देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा कंजेशन देखने को मिलेगा जब कंजेशन देखने को मिलेगा तो ये जो लंग्स है ना ये आपको दिख रहेगी पानी से भर जाएंगे और ऐसे पेशेंट में जहाँ लेफ्ट क्या हो रहा है लेफ्ट साइडेड हार्ट जो है वो फेल हो रहा है तो आपको याद रखना है एल से लेफ्ट एल से लंग लंग अफेक्ट होंगे और लंग अफेक्ट होने के साथ में क्या होता है आपको क्रैकल साउंड सुनाई देता है क्रैकल साउंड सुनाई देता है कई बार खड़ खड़ खड़खल पानी भर गया हो और वहां पर अगर आप हवा डालते हैं तो कैसी आपको साउंड आती है वैसी आपको साउंड इस में सुनने को मिलती है क्रैकल साउंड पेशेंट में सुनने को मिलता है लंग्स अफेक्ट होते हैं बोले इसके अलावा क्या होगा भाई जब लंग में पानी भर जाएगा तो क्या होगा डिस्निया होगा सांस लेने में तकलीफ होगी है ना डिस्निया इस पेशेंट में होगा बोले और क्या होगा तो पिंक फ्रॉडी स्पूटम इस पेशेंट में आएगा कैसा स्पूटम आएगा पिंक फ्रॉडी स्पूटम तो ये क्लासिकल साइंस हैं किसके लेफ्ट साइडेड फेलियर के लेफ्ट साइडेड फेलियर में आपको याद रखना है लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा लंग अफेक्ट होंगे जिसके कारण क्रैकल होगा है ना पल्मोनरी इडीमा यहाँ पर होगा लंग अफेक्ट होंगे जिसके कारण क्रैकल होगा क्रैकल होने के कारण क्रैकल यानी साउंड ऐसा आएगा सांस लेने में तकलीफ होगी डिस्निया होगा है ना डिस्निया में भी आपको याद रखना है ऑर्थोस्टैटिक डिस्निया होगा या जिसको आप पॉस्चरल डिस्टिया कह सकते हैं वो पेशेंट में होगा और पिंक फ्रोदी स्पूटम यहां पर पेशेंट में आएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई लेफ्ट साइड की बात लेफ्ट साइड की बात में आप देखेंगे कि बीपी यहां पर आपका कम हो रहा होगा हार्ट रेट कम हो रही होगी क्यों क्योंकि जितना प्रेशर इसको जनरेट करना चाहिए उतना ये जनरेट नहीं कर पा रहा है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राइट एटीएम के राइट वेंट्रिकल की अगर ये फेल हो जाए यानी राइट साइड ऑफ हार्ट अगर आपका फेल हो जाए तो पानी यहां से ब्लड यहां से आएगा लेकिन यहां नहीं जा पाएगा पंप नहीं हो पाएगा इस केस में ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा राइट एट्रियम से पहले पहले इकट्ठा होगा राइट एट्रियम के पहले क्या है बॉडी है बॉडी के अंदर ब्लड इकट्ठा होगा और जब भी बॉडी के अंदर ब्लड जो है एक स्थिरता में रहे तो वो प्लाज्मा लीक होकर के पेशेंट में क्या कराता है इडीमा कराता है तो आपको याद रखना है, है राइट में क्या अफेक्ट होती है बॉडी पूरी अफेक्ट होती है पेशेंट में क्या देखने को मिलता है इडीमा देखने को मिलता है है ना तो यहाँ पर पानी जो है कहाँ भर जाएगा इस पेशेंट के अंदर भर जाएगा ये पेशेंट जो है फूल पुला जाएगा ठीक है ये पेशेंट क्या हो जाएगा ये पेशेंट जो है अप हो जाएगा इसके अंदर जो है पानी भर जाएगा ये आपको याद रखना है राइट इडीमा इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा है तो ये कंडीशन जहां पेशेंट के अंदर पानी भरने लग गया है क्यों भरने लग गया है बॉडी क्योंकि राइट साइडेड हार्ट तो जो है यहां पर कंजेशन होगा इस पूरी जो आ, आपकी वेन्स इनमें कंजेशन होगा पूरी बॉडी में फ्लूड का कंजेशन होगा एज अ रिजल्ट इडीमा आपको देखने को मिलेगा सो अगर मैं बात करूं राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर राइट राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बेसिकली बेसिकली वेट गेन होगा राइट वेट गेन होगा बोलिए वेट गेन क्यों होगा पानी इकट्ठा हो गया ना भाई तो बहुत सारा रैपिड वेट गेन यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलेगा एडीमा पेशेंट में देखने को मिलेगा साथ ही साथ जगह-जगह पर फ्लूइड लीक होगा बॉडी में जगह-जगह पर फ्लूइड इकट्ठा होगा है ना जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल सकता है अससाइटिस देखने को मिल सकता है है ना लिवर के अंदर जो है कंजेशन होगा लिवर के अंदर क्या होगा कंजेशन होगा जिसके कारण आपको हिपैटोमेगैली देखने को मिल सकता है राइट right? हिपैटोमेगैली देखने को मिल सकता है और इसी के साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है जुगलार वेन डिस्टेंशन जुगुलर वेन

है वो क्या ब्लड ब्लड किधर रुकेगा ब्लड का स्टासिस कहाँ होगा तो जिस तरफ ब्लड का स्टासिस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है साइनो सिम्टम्स सा आ जाएंगे भाई अगर लंग की तरफ ब्लड जो है रुकेगा तो लंग कंजेशन वाले साइनो सिम्टम आ जाएंगे अगर बॉडी की पूरी के अंदर अगर ब्लड रुकेगा तो बॉडी के कंजेशन के साइनो सिम्टम आ जाएंगे ले 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 ले। लेकिन ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि किस में बॉडी में ब्लड रुक रहा है किस में सिर्फ लंग्स में ब्लड रुक रहा है और उसके लिए आपको यह पता होना जरूरी है बहुत ही आम भाषा में बहुत ही नॉर्मल जो है भाषा में समझाया है आप ही नहीं आपके पड़ोसी अड़ोसी जिसने शायद आठवीं कक्षा में भी बायोलॉजी अगर ले रखी होगी और कभी पढ़ा होगा तो उसको भी ये चीज जो अगर समझ आ जाएगी ऐसा हमें हमें अपने चैप्टर को समझना होता है ऐसा हमें अपने टॉपिक को समझना होता है सो दैट ईजी से ईजी वे में आपका कंसेप्ट फिट हो जाना चाहिए फिर चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से अपने इस छोटे से कंसेप्ट से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं है. अब सवाल ये आता है कि मैडम आपने जब इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें है तो ना ट्रीटमेंट जो है वो क्या किया जाता है तो ट्रीटमेंट के नाम पे दो चीजों पे फोकस करना है एक तो हार्ट की फंक्शनिंग पे और दूसरा फ्लूइड पे बोले ऐसा क्या करे तो भाई पहले तो जो हार्ट धीमा पड़ चुका है जो दब चुका है जिसका काम प्रॉपरली नहीं हो पा है उसके काम को बढ़ा दो यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग को बढ़ा दो नेक्स्ट आता है कि फ्लूइड को कम कर दो भाई फ्लूइड कम करोगे तो क्या होगा हार्ट पे जो लोड पड़ रहा है वो कम पड़ेगा बेसिक बेसिक ये करना है कि हार्ट पे पड़ने वाले लोड को कम करना है हार्ट को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव करना है हार्ट की फंक्शनिंग यानी उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है और जब आप ये तीनों चीजें कर देते हैं तो आप हार्ट के ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उतार देते हैं भाई जो ऑलरेडी फेलियर में जा रहा है जो ऑलरेडी थक हार रहा है उसे आप आराम देंगे या उससे और ज्यादा काम करवाएंगे आराम देंगे आराम देने के लिए क्या करें एक तो उसके काम की स्पीड में हेल्प करो उसके काम की फंक्शनिंग में हेल्प करो और दूसरा उस पर जो लोड पड़ रहा है जो फ्लूइड एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आप कम करो तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है आपने फ्लूइड कम करना है हमेशा फ्लूइड कम करना है और फ्लूड कम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में होता है डायूरेटिक्स डाय में भी आपको याद रखना है फ्रू से माइड विच इज अ लूप डायूरेटिक कैसा है ये एक लूप डायूरेटिक होता है Frucemide, जो कि क्या है एक लूप है आपके आ, एसेंडिंग लूप ऑफ पर काम करता है वहां पर से सोडियम और वाटर का क्या करवाता है एक्सक्रीशन करवाता है और आपके बॉडी के अंदर वाटर के रिटेंशन को कम करता है सो so, ये फ्रूसेमाइड फ्रूसेमाइड जो आपको याद रखना है ये आपको अर्ली मॉर्निंग ही देना है यही आपको याद रखना है रात में दोगे तो पूरी रात पेशेंट जो है सिर्फ वॉशरूम जाता रहेगा और सो नहीं पाएगा और दिक्कत बढ़ जाएगी इसलिए अर्ली मॉर्निंग इसको जो है वो दिया जाता है नेक्स्ट आपको याद रखना है जब आप ये पेशेंट को दे रहे हो इनपुट आउटपुट आपको देखना है पेशेंट का वेट आपको मॉनिटर करना है नेक्स्ट जब भी आप ये पेशेंट को दे रहे हो तो सोडियम और पोटेशियम के लेवल को आपको चेक करना है है ना सोडियम बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो सकता है तो ये आपको चेक करना है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में लूप डायरेटिक के बारे में है ना इसके अलावा बोले और भी ऑप्शन होते हैं बिल्कुल थाइसाइड भी आपके पास में ऑप्शन है क्या है थाइजाइड भी ऑप्शन है लेकिन क्यों करना है जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है थाइजाइड जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो आपका क्या है लूपडाइरेटिक्स है बोले इसके बाद क्या कर सकते हैं तो इसके बाद आप जो है ए बी सी डी अपना सकते हैं ए बी सी एंड डी ए बी सी डी बोले ये ए बी सी डी क्या है तो ए बी सी डी के नाम पे आपके पास में आते हैं ए सीई राइट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना आपके पास में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स आपके पास में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आपके पास में आती है डिगॉक्सिन राइट right? डिगॉक्सिन आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले मैडम डिगोक्सिन के अलावा और कोई डी हो सकता है तो डिगोक्सिन के अलावा डी हो सकता है डाइलेटस नाइट्रोप्रूसाइड आपने बहुत सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सुना होगा आपने सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन राइट right? बहुत ही ज्यादा फेमस ड्रग है किसके लिए वैसोडाइलेशन के लिए तो ये नाइट्रोग्लिसरीन आप दे सकते हैं बोले एक और डी आप यहीं पर लिख दो तो चलो लिख देते हैं डाययूरेटिक्स राइट right? तो बेसिकली आपने क्या करना है आपने हार्ट के ऊपर आने वाले प्रेशर को बढ़ाना कम करना है जब हार्ट पे आने वाले प्रेशर को कम करना है यहां पे लो बीपी करना है यहां पे भी आपने लो बीपी और लो हार्ट रेट करना है यहां पे भी लो बीपी और लो हार्ट रेट करना है राइट यहां पर आपने क्या करना है वेजो डायलेशन करना है रेट का कोई लेना देना नहीं वेजो डायलेशन आपने करना है राइट एंड डिगोक्सिन डेगॉक्सिन के नाम पे आपको याद रखना है कि ये बेसिकली क्या करेगा हार्ट रेट को कम करेगा सॉरी बीपी को कम करेगा आप राइट सो ये बेसिकली सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है है ना सो ये बेसिकली सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है हार्ट रेट को ये आपके कम कर देगा है ना ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है दवाइयों के बारे में जो भी आपने क्या देना है पेशेंट को टैबलेट देनी है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए है ना पेशेंट को टैबलेट देनी है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए जिसके अंदर आपका जो है एंजियोटेंसिव एंजाइम को सॉरी uh, एंजियोटेंसिन जो आपका रास सिस्टम है इसको एक्टिवेट आप कर सकते हैं है ना रास सिस्टम को आप एक्टिवेट कर सकते सॉरी रास सिस्टम को कर सकते हैं अफेक्ट नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स जहां पर आप अपने सिंपथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं सिंपथैटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं भाई रात सिस्टम को ब्लॉक क्यों करना है रा सिस्टम क्या करता है रा सिस्टम को ब्लॉक क्यों करना है रा सिस्टम क्या करता है आपका एल्डेस्टोरॉन सिस्टम है ये क्या करता है एंजियोटेंसिन और एल्डेस्टरॉन ये दोनों मिलकर के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं का करवाते राइट नॉर्मली आपका हार्ट फेल हो रहा है इसलिए आपकी बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा है लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है कि ब्लड की कमी हो रही है इसलिए ब्लड नहीं मिल रहा है तो बॉडी ये सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, किसको रात सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है सिंपथैटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती किसको एक्टिवेट कर देती है सिंपथैटिक सिस्टम जो आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है जो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ऐसे केस में अब ये दोनों सिस्टम मिलके आपके ऑलरेडी फेल्ड हार्ट पर और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उसको बोलेंगे काम कर काम कर काम कर और ज़्यादा काम कर वो तो मेरे भाई मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ थका हुआ हूँ उस केस में ये हार्ट फेलियर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर को आपको कम करना है आपको वाटर रिटेंशन को कम करना है आपको हार्ट रेट को कम करना है आपको हार्ट को रिलैक्स करना है और ऐसे केस में आपको क्या देने हैं ए इनिबिटर्स देने हैं बीटा ब्लॉकर्स देने हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं है ना? आपको वेजो देने हैं ताकि ब्लड को हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई जो है इंप्रूव हो सके ओवरऑल ओवरऑल आपको हार्ट को रिलैक्स करना है चलेगा नेक्स्ट अगर मैं वापस आ जाऊं अपने क्वेश्चन की ओर सवाल आपसे बोल रहा है कि भाई सिट अपराइट टू ब्रीद करना पड़ रहा है तो बोले पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम लेयर जो होती है जो आपके हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है इसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना आपके हार्ट के ऊपर दो तरह की कवरिंग प्रेजेंट होती है विसरल पेरिटोन पेरिकार्डियम और फिर पेराइटल पेरिकार्डियम है ना और फाइब्रस लेयर भी यहाँ पर मौजूद होती है तो ये जो है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है कार्डियल स्पेस होती है जहां पर पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूड होता है लेकिन यहां पर अगर इंफेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन का कहते हैं पेरिकार्डाइटिस कहते हैं एंजाइटी के कारण क्या होता है एंग्जाइटी के कारण हार्ट रेट आपका इंक्रीज होता है बीपी आपका इंक्रीज होता है और आपका जो सांस लेने की रेट है यानी कि जो आपकी ब्रीदिंग रेट है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है टेकिपनिया यहाँ पर पेशेंट को होता है राइट नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और उसके अंदर हमने लिख, देखा कि पेशेंट को क्या हो रहा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है सॉरी डिस्निया पर पेशेंट को हो रहा है यानी कि अगर वो लेटने की कोशिश करता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है है ना अंजाइना जो है ये भी आपका किसको दिखाता है कही न, कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर को ही दिखाता है तो ओवरऑल तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को देखू और एक बेस्ट आंसर चूज करने की कोशिश करूँ सो so, सी जो है यहाँ पर बच्चों मेरा सही जवाब चला जाएगा सी इज गोइंग टू बी अ बेस्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो चुका है विच इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एक जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है आपके लिए सवाल आपसे पूछ रहा है एंटेनिम आपको चूज करना है क्या चूज करना है बच्चों एंटेनिम आपको चूज करना है ना फॉर द गिवन वर्ड फटाफट से जवाब देंगे क्या एंटेनिम रहेगा चलिएगा अगर यहाँ पर मैं शब्द की बात करूँ रेयरली की आपको इसका क्या ढूंढना है एंटनिम ढूंढना है यानी अपोजिट ढूंढना है अपोजिट वर्ड ढूंढना है है ना दो चीज़ें होती है वन इज सिनोनिम सिनोनिम मतलब सेम सिनोनिम मतलब सेम यानी जिसको आप बोलते हैं पर्यायवाची शब्द एंटनिम मतलब अपोजिट यानी के विपरीतार्थक शब्द विपरीत बोल लीजिए या विलोम शब्द बोल लीजिए एक ही बात है है ना तो यहां पर आपको विलोम शब्द ढूंढना है ना रेर रेर का मतलब जो बहुत ही कम हो रेर का मतलब जो बहुत ही कभी कभी हो है ना हम बोलते हैं ना रेरेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो कभी कभी होता है तो आपको याद रखना है रेरेस्ट यानी कभी कभी होने वाला ना ऑप्शंस की ओर आते हैं हार्डली हार्डली यानी मुश्किल से नेक्स्ट आता है डेफिनेटली डेफिनेटली यानी जरूरी जरूर है ना नेक्स्ट आता है पीरियोडिकली पीरियोडिकली मतलब कुछ समय के बाद होने वाला कुछ समय के बाद दोबारा होने वाला राइट एंड नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली यानी बार बार होने वाला राइट right? रेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से होना वाला या बहुत कम बार होने वाला उसका जस्ट अपोजिट अगर यहां पर अब मैं देखूं जैसा कि मैंने आपको सभी के मतलब बता दिए हैं तो आंसर आपके पास में डी जो है बेस्ट ऑप्शन आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार जो है जो चीज हो राइट right? तो यहां पर अगर मैं आंसर लिखू तो डी बच्चों आपका सही जवाब चला जाएगा डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर राइट डी ट्रिपल एस बी के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल है ना आपको याद रखना है मोस्टली ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चार ऑप्शन देख करके पता लगा पाएंगे इसलिए घबराने की वहाँ पर बात नहीं होगी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर एक बेस्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है और उसके लिए आपको डिक्शनरी लेके रोज बैठने की ज़रूरत नहीं है बस आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं उनकी मीनिंग्स आप जीवन में आगे देखते हुए चलें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी है ना चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंटरमीडियंट ट्यूब फीडिंग आप दे रहे हैं नर्स जो है वो एस्पिरेट करती है 40 एम ऑफ अनडाइजेस्टेड फॉर्मूला फ्रॉम द क्लाइंट्स एनजी ट्यूब विच शुड द नर्स इंप्लीमेंट एज रिजल्ट ऑफ दिस फाइंडिंग नर्स जो है क्या करेगी इस फाइंडिंग का चलेगा आई होप आप सभी ने जो है अपना आंसर जो है वो लिख दिया होगा आपने अपना एक आंसर ढूंढ लिया होगा नाउ टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट एनजी ट्यूब फीडिंग एनजी ट्यूब फीडिंग की अगर मैं बात करूं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग राइट वैसे तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग जो है आप एक, एक सोते हुए पेशेंट को भी देते हैं बट अगर आप एक पेशेंट को हाई फाउलोस देते हैं दिस इज़ बेस्ट व्हाट यू कैन डू है ना सेमी फाउलोस हाई फाउलोस जो है आप बेस्ट जो है चीज़ कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए हालांकि लेटे हुए पेशेंट को भी देते हैं बट दिस इज़ वॉट यू कैन डू बेस्ट अगर प्र... मैं बात करूँ पोजिशन देने की राइट right? नेक्स्ट आपने क्या करना है आपने जो है पेशेंट को जब भी एनजी ट्यूब फीडिंग देनी है इंटरमीडियन मतलब आप बार बार जो है वो दे रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है आपको पोजिशन हर बार चेक करनी है है, क्या करनी है हर बार जो है पोजीशन चेक करनी है एनजी ट्यूब की है ना नेक्स्ट आपको क्या करना है आपको गैस्ट्रिक कंटेंट जो है कितना है ये भी चेक करना है बोले ये दोनों कैसे होगा दोनों एक ही चीज से हो जाएगा विच इज एस्पिरेशन आप क्या करते हैं आप एनजी का जो कंटेंट है उसको एस्पिरेट करते हैं उसको सक्शन करने की कोशिश करते हैं जब आप इसको एस्पिरेट करते हैं तो जीआई कंटेंट आपके पास में जो है उस सिरिंज में आ जाएगा आपने एस्पिरेट किया और ये एस्पिरेशन से आपने चेक कर लिया कि भाई जो जो भी एस्पिरेशन uh, में आया है वो फ्लूइड जो है जी कंटेंट है या नहीं है यानी एसिडिक नेचर में है या नहीं है दूसरा आपने याद रखना है अगर वो सौ एम से अधिक है अगर वो सौ एम से अधिक है तो आपको फीड को होल्ड कर देना है फीड को क्या कर

रीइंस्टिल क्यों कर देना है अगर आपने मान लीजिए कि सौ एम से ज़्यादा मैडम ऑलरेडी पेट में ज्यादा दम फेंक देते अरे फेंकोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यहाँ पर आप पेशेंट में कर दोगे वॉमिटिंग जैसी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर दोगे जिसके कारण जो है एल्कोलॉसिस में पेशेंट जा सकता है है ना तो आपको फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट में नहीं करना है इसलिए आपने जो भी एस्पिरेट किया था उसको आपने वापस री इंस्टिल कर लेना है और ये सब करते हुए जो है असेप्टिक टेक्निक्स का थोड़ा आपको ध्यान रखना है है ना असेप्टिक टेक्निक अपनाते हुए ऐसा क्यों करना है क्योंकि आप उससे क्या कर सकते हैं इंफेक्शन को दे सकते तो चीज़ें क्लीन होनी चाहिए साफ होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है 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 नेक्स्ट अगर बात करें कि कि मैडम जैसा हमारा सवाल कह रहा है कि भाई ml ही है, भाई ही मैंने कहा कि सौ एम से ज्यादा है तो आपको फीड होल्ड करना है चालीस एम है तो क्या करें फीड दे दे बिल्कुल फीड दे सकते हैं तो क्या करें ये जो चालीस एम है ये तो फेंक दे बोले नहीं ये भी आपको क्या करना है री करना है ये भी आपने वापस जो है उस एनजी ट्यूब में डाल देना है वापस री इंस्टॉल कर देना है बिकॉज यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ खाना ही नहीं खींचा है साथ में गैस्ट्रिक जूसेस को भी बाहर निकाला है है ना और पेशेंट में क्या हो सकता है अगेन वही कारण कि इलेक्ट्रोलाइट एम्बालेंस हो सकता है इसीलिए आपने क्या करना है री इंस्टल इसको कर देना है क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं कि डिस्कार्ड कर देना है एस्पिरेट को रिकॉर्ड कर देना है क्लाइंट के आउटपुट को बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करना है नए फॉर्मूला के साथ में जो है एड करके फिर फीड कर देना अरे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं करना है बाहर से ही थोड़ी डाइजेस्टिव जूसेज़

को, इसका मतलब एनजी ट्यूब में गड़बड़ है एनजी ट्यूब का जो नियम है फीडिंग ट्यूब का जो नियम है है ना चाहे चाहे आप वो जे, आ, फीडिंग ट्यूब ही हो आपकी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हो इन सभी में जो खाना जाता है जो भी फीड जाती है वो ग्राविटी की मदद से ही जाती है आपको पुश कभी भी उसको नहीं करना होता है ये हमेशा आपको याद रखना है सो so यहाँ पर आपने री इंस्टॉल करना है एक्सप्रेशन को एनजी ट्यूब के थ्रू और ग्रेविटी को यूज करते हुए राइट right? आपको किसी भी तरीके से उसको धक्का नहीं देना है प्लंजर को आपको जो है पुश नहीं करना पड़ेगा जैसे आप इंजेक्शन लगाने के लिए प्लंजर को पुश करते हैं पर इसकी आपको आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए चाहिए ग्रेविटी की मदद से स्वतः जो जो है 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 आपका फीड पेशेंट के अंदर जाना चाहिए। ये आपको बात याद रखनी क्लियर है।, है तो डी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा जो कि आई होप मोस्टली लोगों ने दिया होगा चलिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टाइटिस आर सिस्टाइटिस की यहाँ पर बात हो रही है क्या क्लिनिकल मैनिंग आपको देखने को मिलेंगे ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है फटाफट से अपना एक जवाब आपने लिख देना है चलेगा बात करें हम सिस्टाइटिस की यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसके भी अंदर अगर स्पेसिफिकली आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन मिलेगा सिस्टाइटिस के नाम पर राइट सो बेसिकली लोअर यूट्राइन सेगमेंट लोअर यूरिनरी सेगमेंट का इन्फेक्शन हो जाना यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है सिस्टाइटिस कहलाता है अब इस सिस्टाइटिस के अंदर आपको याद रखना है इस सिस्टाइटिस के अंदर होगा क्या तो एक तो पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ़ यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट आपको याद रखना है इसी पेशेंट के अंदर जो है हिमे आपको देखने को मिलता है ब्लड इन यूरिन जो है वो आपको देखने को मिलता है और जब भी ये जो है यूरिन पास करने जाएंगे तो बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बर्निंग एंड पेनफुल यूरिनेशन राइट डिस यूरिया जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा है ना साथ ही साथ जो है इचिंग यहाँ पर हो सकती है पेशेंट को क्या हो सकती है इचिंग जो है हो सकती है है ना प्रोराइटिस यहाँ पर आपको पेशेंट को देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है प्रोराइटिस देखने को मिल सकता है है ना तो ये सारी कंडीशन किसको दिखाती है बच्चों सिस्टाइटिस को दिखाती है ना अगर मैं बात करूं इसके कॉज की तो अलग अलग जो है इसके कॉज रहते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन आपका जो कॉज रहता है है ना मोस्ट कॉमन जो कॉज रहता है वो आपका ई e. कोलाई क्या होता है ई कोलाई है क्या रहता है मोस्ट कॉमन कॉज स्टरीचिया कोलाई कोलाई जिसको आप ई e. कोलाई के नाम से जानते हैं जो कि आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है जीआई का ट्रैक्ट का नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट फ्लोरा भाई ये ई कोलाई नॉर्मली आपके जो है एनल ओपनिंग की तरफ और इधर प्रेजेंट रहता है है ना अगर ये इश्चरीच कोलाई जो है ये आपका कहाँ पहुंच जाए यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ पहुंच जाए तो वो क्या कॉज कर सकता है यूटीआई पेशेंट में कॉज कर सकता है मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये इश्चरीच कोलाई ही रहता है ये आपको याद रखना है फीमेल के अंदर lack ऑफ हाइजीन फीमेल के अंदर lack ऑफ नॉलेज अबाउट हाइजीन जो है ये बहुत ज्यादा कॉज करता है नेक्स्ट आपको याद रखना है फीमेल के अंदर ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो छोटी होती है विच इज थ्री टू फोर सेंटीमीटर इसलिए फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है यूटीआई एज कंपेयर टू मेल राइट मेल की अगर मैं बात करूँ तो जो मेल बेसिकली या तो डायबिटिक है या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है एट अ सर्टन एज एक ओल्ड एज के आने तक जब उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है उनके अंदर यूटीआई ज्यादा फ्रीक्वेंटली डेवलप होता है अदरवाइज जो ज्यादातर यूटीआई आपको देखने को मिलेगा वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू मेल राइट एंड द ओनली एंड ओनली रीजन इज यूरेथ्रा का छोटा right? होना दो से चार सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होना यही जो है इसका कारण है राइट और कोई यहाँ पर कारण नहीं है, 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 है। इसीलिए आप पेशेंट को बोलते हैं स्पेशली फीमेल को बोलते हैं कि आपको क्लीनिंग करनी है कहाँ से कहां तक तो आपको हमेशा क्लीनिंग करनी है यूरेथ्रा से है ना यूरेथ्रल मीटर या ओपनिंग से एन की तरफ जो है क्लीनिंग करनी होती है कभी भी एनएस पे क्लीन करने के बाद में यूरेथ्रा पे नहीं आना होता है ऐसा आपको नहीं करना होता है किस लिए इस यूटीआई से बचाने के लिए ही दूसरा अगर पेशेंट क्या है बच्चों डिहाइड्रेटेड रहता है है ना ज्यादा वाटर इनटेक नहीं कर पाता है अगर पेशेंट जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करता है या नहीं मेंटेन करता है हाइजीन मेंटेन नहीं करता है बोले इसके अलावा इसके अलावा अगर उसमें हिस्ट्री है किसकी अगर उसके अंदर किसी तरह की जो है पहले से हिस्ट्री है बार बार यूटीआई होने की पहले से हिस्ट्री ऑफ यू है राइट right? इसके अंदर अगर अन एथिकल ओवर द काउंटर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर बिना किसी काम के है ना हर छोटी छोटी बात पर एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं तो उस पेशेंट में किसके चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं राइट इसके अलावा कैलकुलस अगर किसी को है है ना क्या होता है कैलकुलस यानी कि स्टोन अगर किसी को है किडनी स्टोन अगर किसी को है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है है ना कहीं पे भी कैलकुलस होने के कारण भी इसके चांसेस बढ़ जाएंगे डायबिटीज मलाइटिस में यूटीआई के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं ये आपको याद रखना है यूरिनरी ब्लैडर के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो, हो जाते हैं इन्फेक्शन के नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको याद रखना है यूरिन का स्टासस होना यूरिन बार बार जो है पास नहीं करना रोकने की कोशिश करना तो एक तो यूरिनरी स्टार यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट आपको याद रखना है अगर किसी पेशेंट को इनडवेलिंग इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर है किसी को क्या है कैथेटर लगा हुआ है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसके कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई के है ना जिसको आप कॉटी कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉटी इसे बचाने के लिए आप क्या करते हैं हमेशा जो है कैथेटर को क्लीन करते हैं कैथेटर को अगर आपको पेशेंट को ऊपर लेना है तो कैथेटर को उसको ब्लॉक करना है अगर आपने पेशेंट हमेशा कैथेटर को जो है फिक्स करके रखना है पेशेंट के आ, जो है पेल्विस लेवल से नीचे रखना है ग्रेविटी का हमेशा ध्यान रखना है in जो है वो नॉर्मल रखना है ये सारी चीजें आप करते हैं कॉटी से बचाने के लिए पेशेंट को यानी कैथेटर एसोसिएटेड जो यूटीआई है उससे बचाने के लिए ये चीजें जो है आप पेशेंट के लिए करते हैं राइट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैडम अगर इसको में यूटीआई हो ही गया तो होगा क्या तो आपको मैंने आप बताया कि भाई जो यूरिन आएगा वो कैसा होगा बर्निंग सेंसेशन के साथ होगा क्वांटिटी जो है क्वांटिटी जो है यूरिन की हमेशा लेस रहेगी यानी कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा तो आपको याद रखना है पार्शियल एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर पार्शियल एम्प्ट ऑफ ब्लैडर यानी कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा हर पाँच मिनट में उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा हर पाँच मिनट उसको लगेगा कि वॉशरूम आ रही है और जब भी वॉशरूम आने वाली होगी ऐसी होगी कि अनकंट्रोलेबल होगी इनकॉन्टिडेंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है बर्निंग सेंसेशन के साथ में यूरिन होगा बहुत ही पेनफुल यूरिनेशन प्रोसीजर होगा ये आपको याद रखना है पार्शल एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर होगा इचिंग वहां पर होगी प्रुराइटस वहां पर होगा है ना साथ ही साथ डार्क कलर का फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा और कई बार आपको क्या देखने को मिल सकता है ब्लड इन यूरिन यानी कि हीमेट्यूरिया देखने को मिल सकता है तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में उस पेशेंट में जिसमें क्या हो रहा है सिस्टाइटिस हो रहा है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है है ना तो फाल्स स्वेलिंग यूरिन होगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बोले मैडम सिस्टमिक भी कुछ आएगा बिल्कुल सिस्टमिक उसको फीवर आएगा फीवर विद चिल्स उसको आएगा फ़ीवर विद चिल्स उसको आएगा डब्ल्यू बी सी काउंट उसके बढ़े हुए आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यूरिन एनालिसिस कराएंगे अगर आप यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो उसके अंदर आपको पस जो है पस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यू बी सी सेल्स आपको देखने को मिलेंगे है ना आर आपको देखने को मिलेगी ये सारे आपको यूरिन के अंदर मौजूद मिलेंगे नाउ अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात आए तो एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह के आपके पास में अवेलेबल रहते हैं है ना अलग अलग तरह के आपके पास में जो है एंटीबायोटिक्स जो है अवेलेबल रहते हैं सिस्टाइटिस so, के लिए है ना जिसके अंदर आपके पास में सल्फोन एमाइट्स आ जाते हैं है ना सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सल्फोन एमाइट जिसके अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट आपको जो एक याद रखना है नाम विच इज़ वेरी मच कॉमन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जिसको आप ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं right? राइट? तो ये नाइटोफिड नाम का एंटीबायोटिक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए यूटीआई के लिए बोले इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में फ्लोरोक्विन सल्फोनमाइड्स है सल्फोनमाइड्स है ठीक है फ्लोरो बहुत ऑप्शंस आपके पास में है लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है नाइट्रोफिटोइन इसके अलावा आपको क्या करना है इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक पेशेंट के अंदर फ्लूड इंटेक जो है वो इंक्रीज करना है क्लियर है तो ये कुछ बातें हैं सिस्टाइटिस के बारे में सवाल की ओर वापस आते हैं सवाल आपसे पूछ रहा है कि बार बार उसको जो है यूरिनेट करने की जो है अर्ज हो रही है और ये अर्ज जो है इतनी खतरनाक होती है परसिस्टेंट होती है कि वो चाहे तो भी नहीं रोक सकता है नेक्स्ट आपको याद रखना है बर्निंग सेंसेशन जब भी वो यूरिनेट करने जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा बिल्कुल होगा ठीक है नेक्स्ट आपको याद रखना है हिमित यानी कि ब्लड के साथ में जो यूरिन आएगा तो ये भी आएगा तो ऑल ऑफ दी अबाउट जो है डी जो है बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इनफैक्ट मैं कहूंगी नेक्स्ट इमेज आपके सामने है है ना सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इस इमेज को आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है पता लगाना है है ना तो ये किसी uh, गिल्ली डंडे के लिए खेलने के लिए नहीं है है ना ना कोई और चीज के लिए है ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी हेल्थ लाइन केयर में यूज आता है ना हेल्थ केयर सेटअप में यूज आता है सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है है ना Thank <laughs> you. कोई देखे चाहे ना देखे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको अपनी ईमानदारी पे टिके रहना है है ना चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर तो ये है आपके हेगार डायलेटर क्या है हेगार डायलेटर बोले मैडम हेगा डायलेटर किस काम आते हैं तो हेगा डायलेटर बेसिकली सर्विक्स को डायलेट करने के काम आते हैं सर्वाइकल डायलेशन के लिए काम आते हैं बोले सर्वाइकल डायलेशन क्यों करना है तो जब भी आपने डी एंड सी करना है है ना या फिर आपने सक्शन इवैक्यूएशन करना है है ना या फिर आपने डी एंड ई करना है डायलेट एंड इवैक्यूएशन करना है इन सभी प्रोसीजर में आप जो है सर्विक्स का रास्ता चुनते हैं सर्विक्स के थ्रू जो है प्रोसीजर करते हैं और उस सर्विक्स को

नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसके अलावा बोले इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई ये तो आपने यूज़ कर लिया किसके लिए उन पेशेंट के लिए जिनमें आपने ऑब्स्टैट्रिक कोई जो है प्रोसीजर करना है या कोई गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर करना है इसके अलावा कई बार जो है पेशेंट में मेटस डायलेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है मेटस डायलेशन के लिए भी बोले ये क्या है तो आपको याद रखना है जो यूरिनरी मेटस है जो यूरेथ्रल मेटस होता है यानी कि जो ओपनिंग होती है किसकी यूरेथ्रा की यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है ओपनिंग ऑफ यूर ठीक है या फिर पेशेंट में जिसमें क्या होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है बोले ये क्या होता है तो ये आपका ब्लैडर है ये ब्लैडर का नेक है इधर से क्या आता है यूरेथ्रा आता है जो कि बाहर की ओर क्या करता है यूरिन को निकालने में हेल्प करता है अब अगर इस ट्यूब के अंदर क्या हो जाए स्टेनोसिस हो जाए ब्लॉकेज हो जाए या ये ट्यूब जो है किसी भी कारण से जो है सिकुड़ जाए या तो इसके अंदर ग्रोथ हो सकती है कई बार मेटस ग्रोथ जो है पेशेंट में देखने को मिलती है है ना कई बार इसके अंदर इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है कारण चाहे कोई भी हो ये ट्यूब जब ब्लॉक हो जाती है तो पेशेंट को यूरिन आना यहाँ पर बंद हो जाता है तो इस केस में इस हेगा डायलेटर का कई बार इस्तेमाल किया जाता है इस एरिया को डायलेट करने के लिए फॉलोड बाय डाइलेट करने के बाद क्या करते हैं कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो डायलेटेड ही रहे और दवाइयाँ देते हैं ताकि ये चीज ठीक हो सके राइट तो यहाँ पर ये हेगार डाइलेटर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाम है इसका क्या हेगार डाइलेटर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन विच कंट्री कारगिल लोकेटेड किस कंट्री में कारगिल जो है, पूछा जा रहा है. आपको फटाफट से अपना उत्तर लिख देना है कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें कोई देखे चाहे ना देखे है ना कॉपी पेस्ट ना करें और ये जो चीज है कि हमेशा क्वेश्चन जब भी करना है खुद रीड करना है खुद जो है सॉल्व करने हैं खुद समझने हैं क्वेश्चंस को नहीं समझ आता है थोड़ी मेहनत कीजिए थोड़ा टाइम दीजिए थोड़े समय के लिए कठिनाइयां होगी बट बाद में चीजें समझने में आसान हो जाएगी है ना और हमें अपने जीवन में आसानियां बढ़ानी है कठिनाइयों को कम करना है और उसका एकमात्र इलाज जो है वो है मेहनत ठीक है हमेशा सफलता की ओर जो है वो रास्ता जो जाता है वो मेहनत से ही होकर जाता है हमेशा ये आपको याद रखना है चाहे स्मार्ट स्टडी करोगे तो भी उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर अपने आप पे काम करना है अपनी कमजोरियों पे काम करना है अपनी हर उस वीकनेस पे काम करना है जो आपके आड़े आ रही है आपके सक्सेस के आड़े आ रही है है ना ये आपको करना है चलिएगा अब सवाल आपको करना है सवाल आपसे पूछ रहा है कौन सी कंट्री में कारगिल है तो कारगिल आपको याद रखना है भारत में ही है है ना आज की तारीख में लद्दाख के अंदर सबसे प्रचलित अगर कोई पर्यटन स्थल है तो वो आपका कारगिल ही है कारगिल की वॉर हुई थी ठीक है ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मुझे तो इतना याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तब जो है हमारे यहाँ पर हुआ करते थे कारगिल यहाँ पर जो है कारगिल की वॉर यहाँ पर हुई थी कारगिल बेसिकली है कहाँ? लद्दाख भारत के अंदर है सो so, ए यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा क्लियर है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पेन हाइपोपिट्यूट्रिज्म पेन हाइपोपिट्यूट्रिज्म को क्या कहा जाता है ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है फटाफट से आपने जवाब अपने अपने लिख लेने हैं सोच लेने हैं चलिए अगर मैं बात करूं बाजो डिजीज की तो इसे आप ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं तो आप जो ग्रेव्स डिजीज पढ़ते हैं जहां पर आपका था ग्लैंड का डिस्फंक्शन है है ना थारॉयड ग्लैंड जो है वो अधिक काम कर रही है तो वो कंडीशन आप ग्रेव्स डिजीज कहलाती है और इसी को आप किस नाम से जानते हैं डिजीज के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैलस डिजीज की तो कहलस डिजीज जो है इसी को आपका मल्टीपल मायोलोमा कहा जाता है मल्टीपल मायोलोमा

राइट right? क्या इफेक्ट होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट होती है आपने कई बार इस बीमारी का नाम सुना होगा श्रीहेंस सिंड्रोम जिसके अंदर जो है क्या होता है तो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको ब्लड सप्लाई जो है बंद हो जाती है बोले मैडम इसको तो हमने ओबीजी में पढ़ा है बिल्कुल बहुत सही पढ़ा है जो पीपीएच होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है इस पोस्ट पार्टम हेमरेज के कारण भाई जब ब्लड लॉस जो है पाँच सौ से अधिक हो जाए बोले और बोले कंट्रोल नहीं किया तो हज़ार से भी अधिक जाएगा नहीं किया तो पंद्रह से भी अधिक जाएगा नहीं किया तो दो से भी अधिक जाएगा तो इस केस में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ब्लड सप्लाई किसको कम हो जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी को पहले कम होती है डिक्रीज टू एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले किसको कम होती है आपको याद रखना है अगर ब्रेन की बात करूं एंटीरियर पिट्यूटरी को पहले कम होती है ठीक है पिट्यूटरी को पहले कम होती है जिसके कारण पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो जाता है क्या हो जाता है नेक्रोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस होने के कारण इसके फंक्शन जो है गड़बड़ा जाते हैं तो इसके जो सारे हॉर्मोन्स निकालने के फंक्शन है है ना थायरॉइड स्टिमलेटिंग हार्मोन निकालने के एडिकोटिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के आपका जो है प्रोलैक्टिन निकालने के एफ एस ये सब निकालने के इन सब के फंशन जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं ये सब जो है वो रिलीज नहीं हो पाते और जब ये सारे हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो इनसे रिलेटेड काम जो है बॉडी नहीं कर पाएगी है ना इसी के कारण आप देखते हैं कि पेशेंट में क्या होता है देखने को मिलता है है ना मेनोपॉज देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल मेस्ट्रॉल साइकिल देखने को मिलती है एबनॉर्मल मैनेस्ट्रोल साइकिल देखने को मिलती है कारण क्या है शीहान सिंड्रोम है ना जब आप कहते हैं कि किसी पेशेंट में क्या हो रहा है सेकेंडरी एमिनोरिया हो रहा है क्या हो रहा है सेकेंडरी एमिनिया यानी कि आपसे पहले तो मैं साइकिल आ रही थी अब साइकिल जो है वो नहीं आ रही है पहले साइकिल नॉर्मली आ रही थी पर अब मैं साइकिल नहीं आ पा रही है उस कंडीशन को आप कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया और ये सेकेंडरी एमेनोरिया किसके कारण हो सकता है इनका एक कारण जो है बहुत सारे कारण रहते हैं पर इनमें से एक कारण क्या रह सकता है ये शिहांत सिंड्रोम रह सकता है बोले मैडम अगर ये आप सिर्फ आपसे पिट्यूटरी की बात कर रहे हो तो क्या आगे और भी पॉसिबिलिटीज है बिल्कुल है अगर ब्लीडिंग को नहीं रोका जाए अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो है ना जिसके कारण जो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अफेक्ट हो जाएगी पूरी ही पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाएगी एंटीरियर के साथ साथ पोस्टीरियर भी काम करना बंद कर देगा जब पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाती है तो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पाती है पेन हाइपोपिट्यूट्रिजम हो जाता है है ना यानी कि अब जो है साथ ही साथ भी नहीं आएगा ऑक्सीटोसिन भी नहीं आएगा सब काम जो है पिट्यूटरी के राम नाम हो गए हैं है ना तो पिट्यूटरी खुद क्या हो चुकी है राम नाम सत्य हो चुकी है क्यों हो चुकी है क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिली क्योंकि पूरी पिट्यूटरी के अंदर क्या हो गया नेक्रोसिस हो गया तो बोले इसका कोई स्पेसिफिक नाम है बिल्कुल इसका एक स्पेसिफिक नाम है और वो नाम है साइमन सिंड्रोम तो इसका एक स्पेसिफिक नाम क्या है बच्चों साइमंड सिंड्रोम इसका जो है स्पेसिफिक नाम है क्वेश्चन की ओर अगर मैं वापस आऊं सवाल आपसे पूछ रहा है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म पूरी ही पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करना बंद कर देती है ए यहां पर आपका सही जवाब चला जाएगा साइमंड डिजीज जो है यहां पर आपका सही जवाब चला जाएगा ये आपको याद रखना है चलिएगा तो ये बातें हो गई आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं हमने कोशिश करी कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर सके हमने ये कोशिश की को आपको ऐसा फील आ सके कि बिल्कुल आप जो अटेंड कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है टेंशन आपको नहीं लेनी है हर दिन आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है त्यौहार तो है माहौल बाहर कुछ और होगा बाहर बहुत अलग माहौल होगा अंदर बहुत अलग माहौल होगा क्योंकि हमारी जो सिचुएशंस है ना वो अभी शायद माहौल से थोड़ी सी अलग हो सकती है पर आपको हर दिन अपने आप को जो है क्या करना है बेहतर बनाना है हर दिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ना है क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे लाइफ में बुरे दिन आएंगे पर अच्छी बात यह है कि लाइफ में बुरे दिन आते हैं तो जाते भी हैं अच्छे दिन भी आते हैं चैलेंजेस आते हैं तो उनके साथ सॉल्यूशंस भी होते हैं राइट अपने हाथ में क्या है अपने हाथ में ईमानदारी है अपने हाथ में मेहनत है वो हमें करनी है और उस पर भरोसा हमें रखना है बाकी सब उस पर छोड़ देना है ठीक है और हमेशा आपको चाहे कैसे भी फॉर्म में रिजल्ट मिले हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की मैं, मैं हमेशा बोलती हूँ हर क्लास में बोलती हूँ तो घबराना किसी बात से नहीं है क्या चल रहा है बाहर उसको आपने एन्जॉय करना है त्यौहार का समय है होली का समय है है ना बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर होनी है यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने नेगेटिविटी को जो है इस अग्नि में दहन कर देना है है ना होली का जब आपके आसपास चलेगी तो उसमें नेगेटिविटी को जाके दहन कर देना है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जहाँ पे भी आपका ये फेस्टिवल मन रहा है वहाँ एक बार आप ज़रूर जाएं शाम को पाँच मिनट निकाल करके और वहाँ जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी बिल्कुल अपनी सारी बुराइयों को अपनी सारी नेगेटिविटी को वहाँ आपने दहन कर देना है और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में जीवन में आगे बढ़ना है इसी के साथ आप सभी को जो है इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं कल आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच चलिएगा एक और चीज़ आपके लिए है कि हमने यहाँ पर आपको बधाई तो दे दी पर हमारी तरफ से जो गिफ्ट आपके लिए होली के लिए वो मैं अभी आपको दे देती हूँ सो सिंपल सिंपल सा है कि कुछ बातें कुछ जीवन में आपके होली के रंग हम भी भर दें कुछ नया आपके लिए होली पे हम भी कर दें इसकी हमारी एक कोशिश है और वो कोशिश ये है, है कि होली हंगामा ऑफ़र आपके लिए अवेलेबल है जिसमें 21 से 28 मार्च तक आपके पास में रहने वाली है 90 प्रतिशत तक की भारी छूट 90 प्रतिशत तक का भारी डिस्काउंट साथ थी में तीन मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल सकती है बुकशाला पर भी जो प्रिंटेड नोट्स हैं उन पे भी आपको छूट मिलने वाली है इसके अलावा ESIC बैच D ट्रिपल एस बी बैच नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्सेट बैच नर्सिंग ऑफिसर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच और जोधपुर क्लासरूम बैच सभी पे भारी डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है साथ ही में मैं बात करूं तो सभी रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर है ना लाइव जो रिकॉर्ड लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्सेज हो इस पर आपके पास में जो है नब्बे प्रतिशत तक की भारी छूट है नॉर्थ सेट एम सी क्यू बैच नॉर्थ का जो महापैक बैच है इसके अलावा राजस्थान सी एच ओ जो महापैक बैच है है ना और बाकी सभी सी एच ओस के जो महापैच पैक बैचेस हैं उन सभी में आपके लिए क्या है भारी छूट है सो so, ये होली हंगामा ऑफर स्पेशली एंड स्पेशली आपकी होली को रंगीन करने के लिए है तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस त्यौहार की आपको आपके परिवार को वेरी हैप्पी होली फ्रॉम माई साइड इंजॉय कीजिए अपने समय को जो है अच्छे से स्पेंड uh, कीजिए ताकि एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो पाए आज की क्लास में इतने प्यार से इतने धैर्य से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच